और जब मैं इतने प्रसन्न साहिबा मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। शुक्रिया। आज मुझे जिस मौजूए सुखन पर इज़्ने तकल्लुम मयसर आया है वो लफ्जों का पैर हम कुछ यूं पहने हुए है, क्या पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है? जनाबे वाला, पंजाब से बंगाल से जवान चल पड़े, सिंधी बलोची सरहदी पठान चल पड़े, घर बार छोड़ बेसरो सामान चल पड़े, मुहाजिर अपने साथ लिए कुरान चल पड़े, कायदे मिल्लत पे चले होते हुए कुर्बान, यूदी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, ये कायद का एहसान था कायद का एहसान, मगर जनाबे सदर जरा रुख बदलिए और सुनिए, कहीं जिए सिंध जिए पठान जिए पंजाब के नारे, तेरा सूबा मेरा सूबा हिंदू देश के नारे, कहीं लाल नीले पीले झंडों के नारे, यहाँ पार्टी कौमियत और लसानियत की बुनियाद पर इतनी तकसीम कि अवाम अपने बुनियादी हकूक हासिल करने के लिए भी एक साथ आवाज उठाने को तैयार नहीं, तो जनाबे वाला मुझे जवाब दीजिए, क्या पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है? सदर अली वकार, ला इलाह के देश में, ला इलाह के देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून लागू है, सूरज भी जुल्म की गवाह में लिपटा हुआ तलू होता है और चांद की चांदनी जाते जाते अपने साथ बेकसों की उम्मीदें तक ले जाती है, पहाड़ पहाड़ पस्ती समंदर समंदर दिश लगी, किरण किरण तेरगी चमन चमन फिजां, शहर शहर वीरां, हसीन वहशत का राज हर सू, हसीन वहशत का राज हर सू, महीपे रौनक की जगमगाहट ने नूर आंखों का छीन डाला, ये एहतमाम एक चरागा बजा सही, लेकिन जरा ये तो बताइए क्या पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है? जनाबे वाला, डॉलर 300 रुपए से तजावुज कर चुका है, जनाबे वाला डॉलर 300 रुपए से तजावुज कर चुका है, दरामदात की लागत में बेपना इजाफा हो चुका है, बेरोजगारी दस्तक दे रही है, भूख और मुखलसी का दौर दौरा है, जनाबे वाला मर्द खुदकुशी पर मजबूर है तो औरतें जिस्म फरोशी पर, न सेहत की सहूलियात है न मुआशी तरक्की, न आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार है न शख्सी आजादी, न सियासी निजाम का इस्तेहकाम है न इखलाकी कदरों की हिफाजत, तो फिर ये मुझे सवाल करने दीजिए कि क्या पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है? सदर अली वकार, यहाँ बगावत के सिलसिले हैं दराज इतने कि जिनका कोई सिरा नहीं है, हमारे आंसू मगर मची है, दिलों पे कालक की तह जमी है, हवस की पूजा है दिल हमारा, हमारे हज और सारे उम्रे तमाम रोजे जमी नमाजें रिया की रंगीनियों में रंगी ही चल रही हैं, हमारे थानों से कोई मजलूम खुदा सहारे ही घर को वापिस पलट के आए तो आए, वरना निजाम उसकी हरेक हड्डी हरेक गोटी बंबोड़ता है कि रस चटपके तो जात पाते, ये किबला रस्मी सरुख है वरना हमारे काबे हमारे किबले कभी इधर थे कभी उधर थे अभी कहीं हैं, जो दीन के वारिस बने हुए हैं बना में दी वो वरासतें बस बना रहे हैं, मिलावटी हैं रिश्वती हैं अजल के झूठे मकर में माहिर चमकती चीजों के हैं पुजारी, तो जनाबे वाला क्या ये पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है? सदर अली वकार, ये सोहनी धरती पुकार होती है ललकार होती है कि जिगर का खून पिला के तुमने बुनियादें रखी थी क्यों, एक ऐसे आशियाने की कि जिसके सब मकीनों को सलासिल में ही पलना था, कि जिसके सहन में ताजा गुलाबों को पिघलना था, न शाही फड़ फड़ाते हैं न तारे जग जगाते हैं, न साया ला इलाका है न सिक्का मुस्तफा का है, खुदी दर दर भटकती है मुसलमानी सिसकती है, तो जनाबे वाला ऐसे में मुझे सवाल उठाने दीजिए क्या पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है? सदर अली मकाम, ये सब हकायक अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन आज तजदीदे अहद का दिन है, आए हम सब मिलकर ये अजमे मुसम्मम कर लें कि वतन अजीज की हिफाजत और इज्जत आबरू की खातिर जंग लड़ेंगे, अर्ज़े पाक को रिश्वत सतानी सूद
घुसखोरी और बदउनवानी जैसे नासूरों से पाक रखेंगे, ताकि हम सीना तान कर फकर से ये कह सके कि हाँ, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन।